अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को आवाज आ रही है?
हाँ बिल्कुल, आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, जो आपका मिड टर्म टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यूज होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 25 एमसीक्यूज होंगे, और हर एमसीक्यू का अगर 25 हुए तो 2 नंबर होंगे। और अगर पूछ लूंगी उनके लिए अगर के क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस मुकद्दस शायद थी, उनका 40 या 50 मार्क्स का होना चाहिए। अगर तो ये है कि रूल है कि 40 to 50 मार्क्स का होना चाहिए, तो फिर तो 2 नंबर का होगा एमसीक्यू, वरना 1 नंबर का होगा। 25 होंगे या मैक्सिमम 30 होंगे, और अगर 25 होंगे तो 35 मिनट्स होंगे आपके पास, और अगर 30 होंगे तो 40 मिनट्स हो जाएंगे, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। और दूसरा ये कि आपका जो कोर्स है वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स तक उसमें इंक्लूडेड। कोई क्वेश्चन है इस पर, कोई पूछना, कोई बात? कुछ स्टूडेंट्स थे वो विलिंग थे कि जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी रखे जाए, लेकिन अगर हैं कोई इस तरह तो फिर तो यही है कि 25 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे, और 25 मार्क्स के या 40 बनाने के लिए 15 मार्क्स के एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2-3 हो जाएंगे। लेकिन मेरे अब क्योंकि बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि एमसीक्यूज रखें, तो फिर एमसीक्यूज मैंने इस दफा रखे हैं। लेकिन अगले जो टेस्ट होंगे दो, एक तो ये कीमोथेरेपी जिसमें एंटीबायोटिक्स एंटी कैंसर ड्रग्स होंगी, और दूसरा जो होगा ये जो अभी तक पढ़ लिया है एंटी वायरल थेरेपीज और ड्रग्स जो है, और ये एंटी प्रोटोजोअल जो आज पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और एंटी फंगल ड्रग्स। ये तीन फिर हम कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का या छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रख लेंगे, या असाइनमेंट टाइप रख लेंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके अभी सिर्फ आपके एमसीक्यूज हैं, और 25 तो होंगे ही होंगे, उससे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, 30 हो जाए, या एक एमसीक्यू के 2 नंबर हो जाए, क्योंकि मैं कंफर्म दोबारा से कर लूंगी कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि 50 या 40 मार्क्स का होगा, तो फिर मुझे एमसीक्यूज के मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स पढ़ेंगे, इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये टॉपिक एंटी मलेरियल ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि आप लोग के मैंने कहा था अभी सेंडअप्स ये मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, तो इसकी वजह से मैंने वो जो लास्ट एंटीबायोटिक्स है जिनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलीन, वो थोड़ा मैं इससे आगे बाद में पढ़ाऊंगी जब आप सेंडअप से फारे, ये जो एम क्या ये आपको हो रहा है मिड टर्म से फारे हो जाएंगे, और उसको जरूर साथ ही साथ कीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम आएगा उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, प्रोटोजोआ जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है, मलेरिया के जो है उसमें उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एक ये है, चार तरह के इसमें प्रोटोजोन है, जो चार तरह के हैं प्रोटोजोआ उसमें, जो मलेरिया के उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाए, ये चार हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, और ये चारों जो इनका वेक्टर है वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो एज अ वेक्टर ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम या विवेक्स या ओएल कहते हैं, या मलेरिया, ये चार जो टाइप्स हैं इनको, ये जो चार प्लाज्मोडियम हैं इनको जाकर बाइट करता है ह्यूमन बींग को, और फिर उसकी बॉडी में ये एंटर करवा देता है। जो मॉस्किटो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, खास फीमेल मॉस्किटो है जो कि ये कॉज करती है मलेरिया। ठीक है, और जो है इसके अंदर ये वेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी ये जो पैरासाइट है प्रोटोजोआ है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये अब हम सारी वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स है, इसमें मलेरिया भी है, उसके अलावा एमीबीएसिस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस काज करने के लिए मुख्तलिफ जो है इन्फेक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटोजोन्स की वजह से हो रहे हैं, और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स पढ़ रहे हैं। इसमें आगे बहुत सारी बताएं, ये जार्डिया, जार्डिएसिस, एमीबीएसिस, ये इन्फेक्शन हैं, ज्यादातर ये कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन है। उसके अलावा इसमें ट्राइकोमोनास विजिनेलिस इन्फेक्शन जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में होता है, जेनिटेलिया का,
तो वो भी इसके अंदर आएगा। मलेरिया जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मलेरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रांसमिसेबल पैरासिटिक डिजीज। ओवर 90 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर। ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है मोस्ट कॉमनली ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है। ये जो है इसके इसके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है उनको रेजिस्ट कर लेते हैं। Areas of high risk for resistant parasites include sub-Saharan Africa, Latin America, यहाँ पर ये ज्यादातर हैं। ओशियानिया ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड है। साउथ ईस्ट एशिया क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम विवेक्स इज ऑल्सो रिपोर्टेड। चार तरह के प्लाज्मोडियम है, उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये दोनों जो है ये ज्यादातर ड्रग रेजिस्टेंट है। सबसे ज्यादा ये फैल्सीपैरम है जो ड्रग रेजिस्टेंट है। अच्छा ये इसका साइकिल बताया हुआ है। आप लोग के स्टूडेंट्स 32 हैं इस वक्त, क्या अभी बाकी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अटेंडेंस ना शॉर्ट हुए, 32 स्टूडेंट्स हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सबसे पहले जो मॉस्किटो होता है उसके स्लाइवा गट के अंदर जब वो बाइट करता है तो उसके स्लाइवा के थ्रू जो मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी के अंदर रह गए वो स्पोरोजॉइड्स आएंगे, इनको कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। ब्लड वेसल्स के अंदर मॉस्किटो बाइट एंड स्पोरोजॉइड्स रिलीज इनटू द कैपिलरीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये उसके स्लाइवा के थ्रू आया है, उसकी गट के अंदर था ये। अब ये जो है स्पोरोजॉइड्स ये उसके हिपेटोसाइट सेल्स जो है लिवर सेल्स उनके अंदर चला जाएगा, ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गए। ह्यूमन बॉडी के जो लिवर के जो आज वालेकुम सलाम फार्मा की क्लास ले ली है, वो फिर मल्टीमीडिया में आकर क्या हो रहा है? मिट चल रहे आप लोग के उसके अंदर जो डे शीट है उसमें जो इवनिंग में डी बैज है और जो ई बैज है उनके अलग अलग क्या पेपर होते हैं? स्लॉट्स अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या दो अलग अलग पेपर बनते हैं? फिर आप लोग देख लेंगे क्यों ई वालों को क्या आ गया, वही डी वालों को आ गया। एक ही टाइम पे होते हैं। अच्छा ये आज एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया है। मलेरिया जो है ये लिखा है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिससे मलेरिया हो रहा है, स्पेसिफिकली इससे होगा, बाकी मॉस्किटोज के काटने से नहीं होता। जैसे डेंगू के लिए भी स्पेसिफिक उसका होता है, डेंगू के लिए भी स्पेसिफिक मॉस्किटो होता है, एडी मॉस्किटो मेरे ख्याल में उसका नाम है। अच्छा मलेरिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ट्रांसमिसेबल पैरासिटिक डिजीजेस। ओवर 90 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर। ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया ये डिजीज जितनी ड्रग्स के कम्बिनेशन देते हैं फैल्सीपैरम जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये रेजिस्ट कर लेता है। अब जो मॉस्किटो होता है वो एज अ वेक्टर काम करता है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो जो है उसके गट के अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम ओवेल ये चार तरह के, मैं पहले बता दूं कि मलेरिया होते हैं चार तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया काज करते हैं। क्वेश्चन है आपका?
अच्छा, ये जो है ये चार तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम 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 ओबेल, विवेक्स और मलेरिया, ये चार तरह के होते हैं जो थ्रू मॉस्किटो, ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा मॉस्किटो, और उसके अंदर जो है उसके ब्लड के अंदर जहां बाइट करेगा उस जगह पे वो रिलीज कर देगा। ये बताई नहीं है वो जगह है जहां पर ये ज्यादातर रेजिस्टेंट स्टेन इसके होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। और आज पहले तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को कहते थे कि वो बाकी ड्रग्स को रिजिस्ट कर देता है, इसलिए कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देना पड़ता था। लेकिन अब प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये भी, इसकी भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर प्लाज्मोडियम विवेक्स मिला है, और वो भी क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन जो देते हैं उसके अगेंस्ट ये रिजिस्ट कर लेता है अपने आप को। ये इसका लाइफ साइकिल है। तो जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उसके गट में, उसके स्पर्म में। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, ये फीमेल मॉस्किटो के थ्रू जो है ये गट, फीमेल मॉस्किटो जो होती है उसके गट के अंदर उसके स्लाइ जब वो बाइट करेगा उसके स्लाइवा में से रिलीज होता है, और रिलीज होता है जो चीज वो स्पोरोजॉइट्स कहलाती है। स्पोरोजॉइट्स रिलीज होंगे, स्पोरोजॉइट्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके लिवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स जो हैं उसके अंदर जाएंगे, वहां पर वो मीरोजॉइट्स बन जाएंगे। पहले स्पोरोजॉइट्स थे, फिर वो चेंज होकर मीरोजॉइट्स बन जाते हैं। मीरोजॉइट्स से वो लिवर सेल से निकलते हैं मीरोजॉइट्स ही बन के, फिर वो कहाँ चल जाते हैं, आरबीसी के अंदर। ये जो पाथवे जो इसका फेज है ये इसका एसेक्सुअल पाथवे है, ठीक है। यहाँ पर जब ये मॉस्किटो के अंदर दोबारा जाएंगे तो वो सेक्चुअल पाथवे होगा, उसका सेक्चुअल होगा। अब ये एरिथ्रोसाइट, ये पहले जो है ह्यूमन लिवर स्टेज थी, अब ये यहाँ से निकल गए मीरोजॉइट्स, और ये क्या बन गए, अब एरिथ्रोसाइट्स पे आ गए, आरबीसीज को फिट करेंगे ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन ब्लड स्टेज पे आ गए जहां पर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं उनको फिट करेंगे। अब वहां पर ये मीरोजॉइट्स बन के अंदर जाएंगे, और वहां पर एक और नए नाम ले लेंगे शिजॉइंट्स, शिजॉइंट्स बनेंगे, और शिजॉइंट्स बनने के बाद दोबारा मीरोजॉइट्स बनेंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही, और फिर मीरोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स को बस्ट कर देंगे, उनमें रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाहर निकल जाएंगे फिर से मीरोजॉइट्स की फॉर्म में। यहाँ पर ये शिजॉइंट्स बने थे, लेकिन फिर दोबारा जब निकलने लगे तो मीरोजॉइट्स बन गए। अब मीरोजॉइट्स जो है वो या तो गेमिटोसाइट्स बन जाएंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स में बन जाएंगे, और फिर जब मॉस्किटो दोबारा आकर बाइट कर रहा है तो वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर से निकल के, उसके ब्लड में से निकल के ये मॉस्किटो के अंदर चले गए। अब जब ये मॉस्किटो के अंदर जाएंगे तो गैमेट्स बने हुए, गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक एग ओओसाइट के नाम से बन जाएगा। ओओसाइट दोबारा से स्पोरोजॉइट्स में चेंज हो जाएगा। अब ये वही स्पोरोजॉइड है जो दोबारा किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, और वही स्पोरोजॉइट दोबारा से लिवर सेल्स के अंदर आए, वहाँ मीरोजॉइट्स बने, फिर दोबारा निकलेंगे रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स को जब ये अफेक्ट कर रहे थे मीरोजॉइट्स, फिर ये निकल के गैमिटोसाइट्स बना रहे थे, तो यहाँ पर ये एक रिंग ट्रोफोजॉइट्स भी बनाते हैं, रिंग शेप स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं आरबीसी में। ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं स्लाइड के, ये पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं है, उसका ब्लड लेते हैं, उसकी एक नाम होता है थिक एंड थिन स्मेयर स्लाइड बनती है, ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बनाते हैं। वो जब स्लाइड देखते हैं तो उनको पता होता है कि ये रिंग शेप आ रही है तो ये मतलब मलेरिया का पेशेंट है, इन आरबीसीज में देखते हैं। इसके आगे में हम एक हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड भी दी हुई है। अच्छा, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया इज 10 to 35 days। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो रिक्वायर अ ब्लड मील फॉर एग प्रोडक्शन। वो ओओसाइट जो बना है वो एग बना है उसका, ठीक है, जो फर्टिलाइज हुए हैं गैमेट्स मिलके, वो सेक्चुअल पाथवे था उसका, आगे से फिर सेक्चुअल स्टेज उसकी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फीडिंग इंजेक्ट स्लाइवरी फ्लूड कंटेनिंग स्पोरोजॉइट्स इनटू ह्यूमंस। Since no drugs are effective against sporozoid infection with the malaria parasite cannot be prevented. शुरू की स्टेज में जहाँ स्पोरोजॉइट्स बन गए थे और ये अंदर आ गए थे, और यहाँ मीरोजॉइट्स बने थे, यहाँ पर कोई भी ड्रग ऐसी नहीं कि इफेक्टिव हो, तो ये इन्फेक्शन जब एंटर हो गया तो अब रोक नहीं सकती कोई ड्रग इसको। हिपेटिक सेल्स
साइकिल वही, जब ये मीरोजॉइड्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये हिपेटिक जो लिवर के अंदर हो रहा है, फिर ये लिवर सेल से मीरोजॉइड्स निकल रहे हैं। हिपेटिक स्पोरोजॉइड्स एंटर द लिवर सेल्स वेयर दे डेवलप इनटू टिश्यू लिवर शिजोन्स व्हिच फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स। शिजोन्स बनेंगे और शिजोन्स से फिर मीरोजॉइड्स बन जाएंगे। Usually after 5 to 16 days, but sometimes after months or years are released into the circulation. Plasmodium falciparum differs in that it has no persistent hepatic cycle. इसका liver के अंदर इसका cycle भी होता है, hepatic cycle. ये वही plasmodium falciparum है, different है बाकियों से, बाकी जो plasmodiums हैं उनसे, ये जब bite करेगा mosquito तो release होगा, तो ये hepatic cycle इसका नहीं होता। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं, प्रिमाक्वीन एंड टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, ये क्या कहते हैं, टिश्यू के अंदर जब शिजोन्टिक साइट्स, वहीं पर जब शिजोइंट्स बन रहे होते हैं उन्हीं को ये किल कर देती है। एक्ट एट द साइट एंड आर यूज्ड फॉर रेडिकल क्योर, दैट इज एन अटैक ऑन परसिस्टिंग हिपेटिक फॉर्म्स। जहां पर ये लिवर के अंदर ही ये जो है ये तीन ड्रग्स जो है वहां पर ही इफेक्टिव है, जब ये रेडिकुलर क्योर, यानी कि वो जहां पे ये लिवर के अंदर जब सेल्स थे उनके ऊपर जब मीरोजॉइट्स बन रहे थे तभी ये इफेक्टिव हो गए। दिस इज मोस्ट इफेक्टिवली अकम्पनिश्ड विद प्रिमाक्वीन। प्रिमाक्वीन के साथ ये देते हैं रेडिकल क्योर, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं। Preventing the initial hepatic cycle, this is called the casual prophylaxis. इसको casual prophylaxis भी कहते हैं। Initially जब वो hepatocyte जब आया है, जब sporozoites तो बन चुके थे, उसके बाद ये drug जो है वो effective होती है। Primaquine may be used safely. Proguanil is weakly effective. Doxycycline, doxycycline ये tetracycline है, या जब antibiotics पड़ेंगे तो बहुत important antibiotic है। Doxycycline may be used short term. ये तीन combination में दे देते हैं। अब erythrocyte cycle जो RBCs के अंदर था, merozoites enter RBCs red blood cells where they develop into blood schizonts. Merozoites which are released when the cell burst giving rise to the features of the clinical attack. तब वो जो chills, fever जैसे symptoms होते हैं वहां पर होते हैं जब वो release हो जाते हैं merozoites. The merozoites re-enter the red cells and the cycle is repeated. कुछ तो वो रिलीज होकर gametocytes बना रहे हैं, कुछ वो रिलीज होकर जो रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, और बाकी सेल्स को भी बस्ट, RBCs को बस्ट कर देते हैं और साइकिल फिर से रिपीट होता है। ये वो सारी ड्रग्स हैं जो देते हैं, क्लोरोक्वीन, क्वीन, मेफ्लोक्वीन, हेलोफेंट्राइन, प्रोगेनाइल, पायरामेथामाइन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये शिजोन्टोसाइट्स, यानी जहाँ शिजोइंट्स बन रहे हैं वहीं पर, या स्किजोन्टोसाइट्स भी कहते हैं, किल दिस एसेक्सुअल फॉर्म, वो जो एसेक्सुअल साइकिल था उसकी वहां पर किलिंग करती है। ये डॉक्सीसाइक्लिन इस टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर ही है। ड्रग्स विच एक्ट एट दिस stage in the cycle may be used for treatment of acute attacks of malaria, destruction of the erythrocytic forms. This is called the suppressive prophylaxis as it does not cure the hepatic cycle. इस वाले जो होगा इसको suppressive prophylaxis कहेंगे, यानी कि ये सिर्फ जब RBCs ये erythrocytes का cycle पड़ रहे हैं, ये drugs वो हैं जो जब erythrocyte फेज शुरू हुआ था तब भी इफेक्टिव थी। ये देखें एरेथ्रोसाइट साइकिल, सिर्फ ये यहीं पर ही इफेक्टिव होंगी, लिवर के अंदर ये वाली ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है जब हिपेटोसाइट साइकिल था उसका, इसलिए इसको कहेंगे सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस। यानी ये ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ उस वक्त इफेक्टिव होगा जब ये उसमें देंगे ये वाली ड्रग्स, जब RBCs को अफेक्ट कर रही है तो ये वहां पर एक्टिव होगा ये वाली ड्रग्स। सेक्सुअल फॉर्म, सम मीरोजॉइड्स डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनटू द एरिथ्रोसाइट्स एंड कैन डेवलप फर्दर ऑन ओनली इफ दे आर इंजेस्टेड बाय अ मॉस्किटो। अगर उनको दोबारा से इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो काटेगा तो वो फिर मॉस्किटो जो है उसके अंदर दोबारा से वो स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे,
ठीक है, और दोबारा से वो किसी और को जाकर अफेक्ट कर देगा। तो इस साइकिल के लिए जब वो एक वेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, यानी एक वे है जो कि एक प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस करवा रही है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, और अगर वो ह्यूमन बॉडी जब इन्फेक्शन हो गया, प्लाज्मोडियम जा चुका है, स्पोरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स से दोबारा गैमेट्स बने हैं, और वो शीजोंट्स और मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स रिलीज हुए हैं, जब सारा साइकिल ह्यूमन बींग के अंदर हो जाएगा, अब जब उसको मॉस्किटो काटेगा तो फिर मॉस्किटो वही सक करेगा उसका ब्लड, और वो दोबारा से वो गैमेट्स को स्पोरोजॉइड्स बना के किसी और में इंट्रोड्यूस करवा देगा। ये सारी ड्रग्स आगे जो बताई गई ये सेक्सुअल फॉर्म में इफेक्टिव हैं, क्विनीन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, आर्टिसुनेट, आर्टिमेथिल, प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैमेट्स बनना रोकती है, ठीक है। एक्ट ऑन सेक्सुअल फॉर्म्स एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, एक से दूसरे को ट्रांसमिट करने के लिए फिर रोकती है। बिकॉज द पेशेंट बिकम नॉन इन्फेक्टिव एंड द पेशेंट because the patient becomes non-infective and the parasite fails to develop into mosquito. अब अगर ये gametes नहीं जाएंगे mosquito के अंदर, तो फिर से दोबारा वो जो parasite है plasmodium कोई भी वो नहीं बनेगा, sporozoids वगैरह नहीं बनेंगे। The drugs may be selected for treatment of clinical attacks, prevention of clinical attacks और radical cure के लिए। रेडिक्यूल जो होती है, रेडिकल क्योर वो मिक्स थेरेपी होती है, जिसमें वो ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव होंगी जहाँ पर हेपेटोसाइट्स में भी इफेक्टिव हो और एरिथ्रोसाइट स्टेज, दोनों स्टेजेस में अगर ड्रग्स इफेक्टिव है तो वो मिक्सचर हो गया पूरी, रेडिकल क्योर कहेंगे उसे। ये वही लाइफ साइकिल बताया हुआ, वो जरा आसान था तो इसलिए मैंने वो डाल दिया। इसमें वही देखें, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एरिथ्रोसाइट साइकिल है, इसमें शीजोंट्स बन रहे हैं, मीरोजॉइट्स रिलीज हो रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, और फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो भी अब इन्फेक्टेड हो गया और वो किसी और को जाकर फाइट कर लेगा। ये सारे जो हैं ड्रग्स के स्ट्रक्चर बताए हुए, क्लोरोक्वीन, अमीडाक्विन, प्रीमाक्विन, हेलोफेंट्रीन, मेफ्लोक्विन और क्विनीन। इसमें क्लोरोक्विन सबसे ज्यादा देते हैं और एक कॉम्बिनेशन में आती है फेंसीडार जो कॉमनली यूज करते हैं। ये वो था जिसने डिस्कवर किया था कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर होते हैं। क्विनीन एज अ ये बार्क या प्लांट है जहां से ये क्विनीन निकला था। एज अ सिंकोना बार्क वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द यूरोप फ्रॉम साउथ अमेरिका इन 1633। इट वॉज यूज फॉर ऑल फीवर्स अमंगेस्ट मलेरिया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन बताया था उसने कि प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोफेसर था प्रोफेसर चार्ल्स लुइस, इसने बताया था कि प्लाज्मोडियम जो ये पैरासाइट है ये ब्लड के अंदर है। अच्छा, क्विनीन जो है वो सिनिनीन इज एन एल्कोलाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द साउथ अमेरिकन सिंकोना ट्री। इट बाइंड्स टू प्लाज्मोडियल डीएनए टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्विनीन का एक्शन पूछा जा सकता है कि डीएनए के साथ जाकर बाइंड करती है और उसको इनहिबिट करती है जो प्लाज्मोडियम का डीएनए होता है। इट इज यूज टू ट्रीट प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम मलेरिया इन एरिया, जहां पर क्विनीन हम प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम जब ये वाला प्लाज्मोडियम एंटर होगा तो इसके लिए यूज करते हैं। माइटोनिया एंड मसल क्रैम्प्स में यूज होता है बिकॉज इट प्रोलॉन्ग्स द मसल रिफ्रैक्टरी पीरियड। माइटोनिया होता है कि जब मसल रिलैक्स ना हो और मसल क्रैम्प्स वगैरह हो तो फिर ये यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इस ड्रग के क्या है, टिनाइटस, डिमिनिश्ड ऑडिटरी एक्विटी, हेडेक, ब्लडेड विजन, नोजिया, डायरिया, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस लाइक प्रूराइटस हो जाता है, आर्टिकेरिया, रैशेज, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है अगर ये इंट्राविनसली दे ड्रग। ये एक और ड्रग है एमोडायाक्विन। ये एमोडायाक्विन जो है प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम में देते हैं। यह समहाउ ये बेहतर ड्रग है क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम ने कम रेजिस्टेंस शो किया है। ये लो कॉस्ट है, लिमिटेड टॉक्सिसिटी है एंड इन सम एरियाज इफेक्टिवनेस अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम। इम्पॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज इसकी क्या है कि ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स काउंट वगैरह ज्यादा हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी सप्रेस हो जाएंगे, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हैव लिमिटेड यूज बट सीरियस टॉक्सिसिटी इज रियल। इसकी जरा कम है टॉक्सिसिटी। अच्छा, ये वो रिंग शेप जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बनाएंगे तो यही नजर आते हैं।
अब ये क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन इज कॉन्सेंट्रेटेड, वो क्विनीन था, क्लोरोक्वीन इज कॉन्सेंट्रेटेड विथ इन पैरासिटाइज्ड आरबीसीज एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ प्लाज्मोडियम डीएनए, वही बात है कि डीएनए के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना रही है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द ब्लड फॉर्म्स एंड ऑल्सो द ग्रेनुलोसाइट्स फॉर्म्ड इन द मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सबके अगेंस्ट इफेक्टिव है। इट इज इन इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक्सेप्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड ऑल्सो इट्स इमेच्योर गैमिटोसाइट्स, ये जब गैमिटोसाइट्स बन जाएंगे उनको भी ये इमेच्योर गैमिटोसाइट्स जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के बनेंगे तो उसके अगेंस्ट भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्लोरोक्वीन इज रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी एंड इज कॉन्सेंट्रेटेड सेवरल फोर्स इन वेरियस टिश्यूज, यहाँ पर एथ्रोसाइट्स, लीवर, स्पीन, हार्ट, किडनी, कॉर्निया, रेटिना में होती है। लॉन्ग लॉन्ग रिफ्लेक्ट स्लो रिलीज फ्रॉम दीज साइट, स्लोली स्लोली ये इन साइट से रिलीज होती है। क्लोरोक्वीन इज पार्शली इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म एंड द रिमेडर, कुछ जो है मेटाबोलाइज होगी और कुछ अनचेंज फॉर्म में यूरिन में रिलीज हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्योंकि कॉर्निया वगैरह में, और ये देखिए कॉर्निया रेटिना में ये थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पर जाकर क्या करती है, मे कॉज हेलोज अराउंड द लाइट और फोटोफोबिया, ये इस तरह होगा कि जब जैसे लाइट पड़ती है आंख में तो एक डिस्पर्स सा इमेज बनता है, कभी कभी कुछ लोगों को पीले पीले से स्पॉट्स नजर आते हैं येलो येलो से, तो ये जो है वो बता रहे हैं कि डिपॉजिट होती है क्लोरोक्वीन वहां पर, तो ये फोटोफोबिया हो जाता है, यानी लाइट जो है सेंसिटिव हो जाती है आंख अगेंस्ट लाइट। और उसके अलावा रेटिनल टॉक्सिसिटी, पिगमेंट्स वगैरह बन जाते हैं, स्कोटोमास, स्कोटोमास होता है ब्लैक स्पॉट, आंख जब देखती है तो उसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट चलना शुरू हो जाता है, ऐसे बीच में धब्बा आता है ब्लैक। डिफेक्टिव कलर विजन डिफेक्टिव हो जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे जो क्लोरोक्वीन दे रहे हैं, क्योंकि ये रेटिना, कॉर्निया, किडनी वगैरह में स्टोर होती है। अदर रिएक्शन इंक्लूड प्रोराइटस विच मे बी इनटॉलरेटेबल, शदीद किस्म की होगी उसे, हेड एक, जी आई डिस्टर्बेंसिस, प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट इंटरमीटेंट पोरफायरिया इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। अच्छा पोरफायरियाज जो होते हैं पोरफायरिन, ये स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ये जब यूरिन और स्टूल के अंदर देखते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, ये हेमोग्लोबिन जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जब हीमोग्लोबिन आयरन और ऑक्सीजन को बाइंड करती है तो वहां पर पोरफीरिन भी होती है, तो ये पोरफीरिन पोरफायरिया हो जाएगा, यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगी। इसकी पिक्चर इसके साथ लगा दूंगी। जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस इंटरफेस विद द कार्डिक रिदमियास रिदम स्पेशली इफ द ड्रग इज गिवन इंट्रावीनसली इन हाई डोजेस, इसका जो इफेक्ट है वो ये कि ये एबनॉर्मल रिदम्स कर देगी क्लोरोक्वीन जो है। लॉन्ग टर्म यूजेस एसोसिएटेड विद रिवर्सिबल ब्लीचिंग ऑफ द हेयर कलर, हेयर का खराब करेगी, पिगमेंटेशन ऑफ द हार्ट पैलेट, जो आपके हलक होता है पैलेट जो होता है उसके आगे वाला एरिया हार्ड पैलेट कहलाता है, जो पीछे एरिया होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, तो पिगमेंट छोटे छोटे हार्ड पैलेट पर बन जाएंगे इस ड्रग से। हेलोफेन थ्रीन जो है एलोफेंट्रीन इज एक्टिव अगेंस्ट द एरिथ्रोसेटिक फॉर्म ऑफ ऑल फोर प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड एट द शिजोंट स्टेज, स्किजोंट स्टेज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यानी ये अगर अनकॉम्प्लिकेटेड इनके प्लाज्मोडियम्स हैं तो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, ये सारी स्पीशीज के अगेंस्ट प्लाज्मोडियम के इफेक्टिव है, चारों जो स्पीशीज हैं। हेलोफेंट्राइन मे कॉज जी आई एडवर्स इफेक्ट्स, प्रूराइटस, वही सारे हैं, और एक इसका इफेक्ट ये कि जो एक है वो ये कि जब वो वेव बनती है ईसीजी के अंदर, हार्ट जब वेव देखते हैं तो उसमें पी क्यू आर एस इंटरवल्स बनते हैं, तो क्यू टी इंटरवल को ये प्रोलोंग कर देगी, एरिथमियाज करती है। मेफ्लोक्वीन जो है इज सिमिलर सेवरल respects to quinine, it is used for malaria chemoprophylaxis to treat plasmodium falciparum and chloroquine resistant plasmodium vivax malaria,
ये मेफ्लोक्वीन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो कि दो थे जो कि रिपोर्टेड हुए थे, जिनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रही थी ड्रग्स, ये वाली ड्रग थोड़ी सी इनके अगेंस्ट यूज होती है, इफेक्टिव है. इट शुड बी गिवन टू पेशेंट्स विद हिपैटिक और रेनल इम्पेयरमेंट. एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंसेस जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, ये सारी वही सबकी हैं. आप सिर्फ वो देख लिया करें कि किसके अंदर क्या चीज यूनिक चीज है. मोर रेयरली हेलुसिनेशन, सीजर्स, साइकोसिस आर ऑब्जर्व. वही जीआईटी और नर्वस सीएनएस इफेक्ट्स हैं इनके. प्रिमाक्वीन, इसके बाद दो ही है मेरे ख्याल में, दो रह गई है बस. प्रिमाक्वीन जो है at several stages in the development of plasmodial parasites, possibly by interfering with its mitochondrial function. ये mitochondria के ऊपर इसका effect है. Its unique effect is to eliminate the hepatic forms of plasmodium vivax and plasmodium ovale after standard chloroquine therapy. उसके बाद ये primaquine देंगे. Primaquine का function ये होता है कि plasmodium ovale और प्लाज्मोडियम विवेक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट ओनली व्हेन द रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन इज एब्सेंट. री इन्फेक्शन ना हो जाए वरना ये बहुत इफेक्टिव है. एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट जो होता है, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्स, मेथामोग्लोबिनीमिया. हीमोग्लोबिन की तरह मेथोग्लोबिन भी होती है जो कि ज्यादा हो जाती है ब्लड में. एंड हीमोलिटिक एनीमिया especially in patients with genetic deficiency of erythrocyte glucose 6 phosphate dehydrogenase. अच्छा, ये क्या करता है, ये जो इन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस क्या होता है कि ये एक एंजाइम है जो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन से और उनको टूटने से बचाता है. तो अगर ये डेफिशिएंट है तो फिर प्रिमाक्वीन की डोज को देखकर देना होगा. सब्जेक्ट शुड बी टेस्टेड. ये अब आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा एंजाइम है, ये आ सकता है कि ये एंजाइम है और पेशेंट जो है वो कौन सी ड्रग नहीं लेगा. तो प्रिमाक्वीन वो ड्रग है कि जिसकी डोज को फिर मॉनिटर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये हीमोलिटिक एनीमिया करता है, यानी आरबीसी की ब्रेक डाउन करता है. सब्जेक्ट शुड बी टेस्टेड फॉर G6PD डेफिशेंसी एंड इन दोज दैट आर डेफिशियंट. उनको देखना है कि किन के अंदर ये G6PD देखना है ब्लड टेस्ट करके. अगर तो उसके अंदर डेफिशियंट है, द रिस्क ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय गिविंग प्रिमाक्वीन इन रिड्यूस्ड डोजेस. फिर उसके बाद है प्रोगेनाइन इनहिबिट्स डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ये देखिए, ये पाबा इसको कहते हैं, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड. एक पाथवे होता है, पाबा जो होता है बैक्टीरिया में भी होता है, इसलिए जब एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे उसमें सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है. ये पाबा जो होता है ये क्या कहता है, ये डायफोलिक एसिड और फिर टेट्राफोलिक एसिड फिर न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन्स और उससे डीएनए सिंथेसिस करेगा बैक्टीरिया के अंदर. इसी तरह ये यीस्ट के अंदर भी है. अब कहते हैं कुछ की जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है, या फिर ये प्लाज्मोडियम कुछ कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी के अंदर पैप है उसको यूटिलाइज कर रहा है और डीएनए अपना बना रहा है. तो अब जो है ये सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है वो तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट उस वक्त काम करेगी. ये आगे ड्रग हम पढ़ेंगे जो सारी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे. उसके अलावा ये क्या करता है कि यहाँ पर इस फेज में एंटी मलेरियल ड्रग्स भी दे देते हैं. ट्राइमेथोप्राइम जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है. इसके साथ मिलके ये जो है इस स्टेप को रोक देगी. डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यह डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था. इस एंजाइम के ऊपर इसका इफेक्ट है. जब एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करेगी तो ये डीएनए सिंथेसिस को इफेक्ट कर देगी. अच्छा, फिर बताया हुआ है कि डेफिशिएंसी जब इफेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ विच इनहिबिट्स प्लाज्मोडियल सेल डिवीजन. डीएनए सिंथेसिस होता है तो नया सेल बनता है, ठीक है. डीएनए माइटोसिस हो जाती है, नया सेल बनता है, डीएनए की कॉपीज बनती है और नए सेल बनते हैं. तो वो कॉपीज डीएनए की जब डीएनए की नहीं सिंथेसाइज होगा तो सेल डिवीजन को अफेक्ट कर देगी. अच्छा, फिर उसके बाद प्राइमेथामाइन एंड
trimethoprim, which share this mode of action are collectively called as the antifolds. ये trimethoprim जो antibiotic है और ये anti malarial, ये दोनों मिलके जो इसको antifolds कहते हैं, collectively called. Their plasmodial action is markedly enhanced by combination with sulfonamides, because sulfonamides antibiotic जो है ये भी ऊपर वाले pathway को inhibit करें, तो अक्सर ये जो combination में दे देते हैं. Their plasmodial action is markedly enhanced by combination with sulfonamides or sulfones, because there is inhibition of sequential steps in folate synthesis. Pogonyl must be used daily when given for prophylaxis. Its main use particularly in pregnant women with folic acid. जब ये pregnancy में किसी को देंगे, अब यहाँ पर ये folic acid ही था जिसको ये आगे बनने नहीं देगी, टेट्राफोलिक एसिड, फोलिक एसिड. तो इस अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में ड्रग्स दी है तो फिर साथ उसके टेबलेट्स दें, फोलिक एसिड टेबलेट्स, क्योंकि फोलिक एसिड टेबलेट्स जो होती हैं वो फीटस के लिए बहुत जरूरी होती हैं, फीटस की डेवलपमेंट के लिए. अगर फीटस की डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, तो इसलिए फोलिक एसिड वैसे ही देते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी में इनिशियल स्टेजेस पे, और फिर अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो उसके साथ फिर जरूर देनी है. पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन इनहिबिट्स प्लाज्मोडियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. ये वो दोनों ड्रग्स मिलके इस स्टेप को इनहिबिट करती हैं. फॉर विच इट हैज अ हाई एफिनिटी, इट इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड. वही बात लिखी हुई है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव सप्लीमेंट्री फोलिक एसिड व्हेन टेकिंग विद द pyrimethamine. Adverse effects reported include anorexia, उसके अलावा abdominal cramps, GIT के सारे और CNS के सारे effect हैं. Trimethoprim जो है इसको synergistically देंगे हम sulfadoxine के साथ, जब additive effect होगा इससे दोनों, और इसको combination को fancy dar कहते हैं. ये बहुत commonly use होती है. फैंसी डार की जितनी टेबलेट्स होती हैं वो इकट्ठी खा ली जाती हैं, तो ये इनहिबिट करती है लेकिन फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को. सल्फाडॉक्सिन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ये जो सल्फाडॉक्सिन है, द कॉम्बिनेशन इज चीफली यूज्ड विद क्विनीन टू ट्रीट एक्यूट अटैक्स ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय ससेप्टेबल स्टेन्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. अच्छा, ये थोड़ी सी इन्होंने बताई हुई है, ये एक दो आखिरी स्लाइड है इसकी. इसमें बताया हुआ है कि आर्टियोसुनेट एंड आरटी मेथर आर सॉलेबल डेरिवेटिव्स ऑफ आरटी मेसिनिन. दे एक्ट अगेंस्ट द ब्लड इंक्लूडिंग सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडिया, यानी वो गैमेट्स वगैरह के ऊपर ये एक्ट करेगी. एंड मे ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसमिसिबिलिटी, गैमेट्स वगैरह पर अफेक्ट करेगी ताकि ट्रांसमिशन ना हो इसकी. आर्टियोसुनेट एंड आरटी मेथर are rapidly effective in severe and multi-drug resistant malaria. ये दोनों ड्रग्स इंट्रावीनसली देंगे तो मलेरिया के अंदर ये सारी फॉर्म्स के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है. डॉक्सीसाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है, ये यूज कर रहे हैं फॉलिक एसिड फाल्सीपेरम मलेरिया के अंदर इन कॉन्जुगेशन विद क्विनीन या क्विनिडीन, अलाउइंग ए शॉर्टर एंड बेटर टॉलरेंस कोर्स ऑफ क्विनीन. फिर ये एक ड्रग का बताया हुआ है, रायामेट. ये टेबलेट्स हैं जिनमें आरटी मेथर एंड ल्यूमिफेंट्रीन, ये दो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, और ये बच्चों में भी यूज हो रही है ड्रग. 5 kg से या उससे ज्यादा वेट वाले जो बच्चे होते हैं, जब भी डोज मेंटेन करते हैं तो उसके लिए वेट भी देख लेते हैं. अब मलेरिया प्रेगनेंसी में क्या करेगा, उसके फीटस को क्या अफेक्ट करेगा, और अगर वो पैदा हो गया न्यू बॉर्न है तो उसको क्या अफेक्ट करेगा. प्रेगनेंसी में ये सारे बताए हुए कि एनीमिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, ये वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है, इसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं. इसका अफेक्ट ज्यादा सीएनएस पर होता है. हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, प्यूरपेरल सेप्सिस, ये जेनिटल एरियाज के ऊपर हो जाते हैं. मोर्टेलिटी कर सकता है, फीटस के अंदर एबॉर्शन कर सकता है फीटस के, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को है तो उसका फीटस एबॉर्ट हो सकता है.
कंजेनिटली कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इन्फेक्शन कर सकता है, स्टिल बर्थ कर सकता है, और अगर वो पैदा हो गया तो उसकी ग्रोथ वगैरह को अफेक्ट करेगा, वो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ नहीं होगी उसकी, रिटार्ड हो जाएगी, मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा। वो इसमें कोई क्वेश्चन कोई पूछना हो कोई चीज? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करने से, उनको टूटने से बचाता है, ये उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, आरबीसीज के अंदर होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिकली कुदरती तौर पर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, इसका बायोकेमिस्ट्री में होता है, उनको कहते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। जब ये एंजाइम नहीं होता तो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है उनके अंदर आरबीसीज की, ठीक है, आरबीसीज उनके अंदर, और वो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसीज के टूटना। एनीमिया में क्या होता है कि आपके आरबीसीज कम होते हैं, तो हीमोलिटिक होगा कि आपकी रेड ब्लड सेल्स खुद ही टूट रहे हैं जिसकी वजह से आपके एनीमिया हो गया, ठीक है। अब हम ब्लड टेस्ट कर लेंगे क्योंकि ड्रग जो है वो अफेक्ट कर रही थी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के ऊपर, एंजाइम के ऊपर। तो जिन पेशेंट्स को पहले ही डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कम होगा तो उनके आरबीसीज ब्रेक करेंगे, और ये जो ड्रग थी इसका भी एक इफेक्ट ये कि ये आरबीसीज को, नॉर्मल आरबीसीज को भी ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कहीं इनको है तो नहीं, क्योंकि अगर ड्रग भी दे देंगे और नॉर्मली भी वो आरबीसीज ब्रेक करें तो वो फिर क्या होगा कि उनके अंदर सीवियर किस्म की आरबीसीज डेफिशिएंसी हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये मैंने सुबह तो ये पढ़ा दिया था आपको, बता देती हूँ। एमीबीएसिस ये अगला पैरासाइट है, एमीबीएसिस कॉज करता है, ये इन्फेक्शन करता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है और एक सिस्ट फॉर्म में ही होता है। ट्रोफोसाइट ऐसे लीव की तरह का, पत्ते की शेप का होता है, मेरे ख्याल में ये वो ट्रोफोसाइट ही हैं, लंबे लंबे से ऐसे जरा होंगे, ये वाला ट्रोफोसाइट, और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। जो इसकी सिस्ट फॉर्म है ये इन्फेक्शियस फॉर्म है, यानी ये जो जब हम कोई वाटर फूड जो कंटेमिनेटेड होती है, जहाँ पर सिस्ट होती है, ये वो अपने इंजेस्ट कर ले, कोई गंदा पानी पी लिया, कोई फूड ऐसे खा ली जिसके अंदर इस पैरासाइट की सिस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है इसकी। और ये जो सिस्ट है ये इसको क्या कहते हैं, इस ये एमीबेसिस इन्फेक्शन है, और ये कौन कॉज कर रहा है, एंट एमीबा हिस्टोलेटिका ई इसका कहते हैं। ये वैसे बेसिकली ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ाए जाते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। ये जो है प्रोटोजोआ, ये है एंट एमीबा हिस्टोलेटिका जो ये एमीबीएसिस कॉज कर रहा है। ये क्या किस तरह हो रही है कि इंजेस्टेड एंड पास्ट हो रही है सिस्ट कहाँ पर, कोलोन में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और वहां ये सिस्ट ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। सिस्ट जो है वो हमने जब इंजेस्ट कर ली थ्रू फूड और वाटर तो वो क्या होगी, वो सिस्ट बॉडी के अंदर चलेगी और इन्फेक्शन कॉज करेगी, और जब ये कोलोन में जाकर बैठ जाएगी तो ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म में होगी, वहां ये नॉन इन्फेक्शियस होगी। फिर ये स्टूल के थ्रू जो है ये दोबारा फीसिस में निकल आएगी और फिर से पानी को कंटेमिनेट कर देगी, और वहां पर जो फॉर्म होगी वो सिस्ट फॉर्म होगी। ये एक साइकिल है इसका, सिस्ट से ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट से दोबारा सिस्ट। बोवल ल्यूमेन एमीबीएसिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। इसका क्या होगा, एक ल्यूमेन यानी जो आपने देखा है कि कोलोन जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ट्यूब की तरह की होती है, ठीक है। तो ल्यूमिन उसके ऊपर ही ऊपर की सतह में, जब अंदर होलो जगह जो होती है उसकी, गोल से जो होलो जगह होती है उसके अंदर ये रह रही है, ठीक है। बोवल ल्यूमिन एमीबेसिस ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, इससे कोई इन्फेक्शन सिम्टम्स नहीं आ रहे इस इन्फेक्शन के। ट्रीटमेंट इसका इज डायरेक्टली एरेडिकेटिंग द सिस्ट। हमारा मकसद जो भी ड्रग दे रहे हैं वो ये कि अगर ये हो गया है तो हमें क्या है कि अब सिस्ट को जो है वो निकालना है, इरेडिकेट, साफ करना है वहां से। तो डायलो ऑक्सीनाइड फ्यूरोएट ये ड्रग का नाम है जो यूज करें, उसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके अलावा एडोक्विनोल और पैरोमोमोमाइसिन इज समटाइम्स यूज्ड, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आपको एक आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, वो डायलो ऑक्सीनाइड फ्यूरोएट ये ड्रग याद रखने, बस इतना काफी है। सिस्ट जो है उसकी न्यूक्लियस होते हैं,
इसके में हमें चार न्यूक्लियस होते हैं सिस्ट के अंदर, इसका मैं इसकी भी पिक्चर लगा दूंगी। और ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस इसकी फॉर्म है। सिस्ट के थ्रू ये बॉडी में चला जाता है इंजेस्ट होकर, कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया, कोई फीसिस थी जिनमें से वाटर गुजरा है, फूड गंदी खा ली है और सिस्ट चला गया, अब ये इन्फेक्शियस फॉर्म में आ जाएगा। पहले इन्फेक्शियस फॉर्म में था, फिर नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा, फिर सिस्ट की फॉर्म में ट्रोफोजाइट निकल जाएंगे और दोबारा सिस्ट फॉर्म में बन जाएंगे। Paromyomycin is an aminoglycoside antibiotic that is not significantly absorbed from the GIT. It is used for luminal amebicide and has no effect against extra-interstitial amoebic infection. The small amount absorbed is slowly excreted unchanged. The drug may accumulate with the renal insufficiencies and control renal toxicity kar degi. Paromyomycin is an effective luminal amoebicide. Amoebicides जहाँ पर CID लग जाए ना, CIDE वो होता है किलिंग करना, स्टैटिक होता है उसको रोक देना। अब जब आप आगे एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे उसमें दो चीजें पढ़ेंगे, स्टैटिक ड्रग्स कौन सी है और सीडल ड्रग्स कौन से है। सीडल होंगी किल कर देंगे और स्टैटिक उसकी ग्रोथ को वही रोक देंगे। तो ये जो है ये amoebicide सीडल ड्रग है that appears to have similar efficacy and probably less toxic than other agents. ये जरा less toxic है drug. Tissue invading, अब ये tissues के अंदर, वो तो वहीं पर colon के ऊपर था, ये आखिरी बस slide है। जो tissues के अंदर चले जाएंगे वो dysentery, hepatic, amoebiasis, liver के अंदर abscess बना देंगे। और इसका क्या है, ये सिस्टेमिकली एक्टिव ड्रग टिश्यू एमीबीसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल भी देंगे, जितने भी डैग वगैरह हो जाते हैं उनमें मेट्रोनिडाजोल देते हैं। मेट्रोनिडाजोल का कमर्शियल नेम क्या है, किसी को पता है? बहुत कॉमन यूज करते हैं। किसी ने फ्लैजल पिए कभी? फ्लैजेल, और इसका सिरप भी होता है। तो फ्लैजेल क्या, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है, अगर आपको कभी भी कुछ सिनेरियो आ जाए इस तरह का कि एक पेशेंट है उसके जो सारे जीआईटी के मसले चल रहे थे, तो उसने फ्लैजेल ले ली है, नहीं उसने ड्रग ले ली है, ठीक है, और वो ड्रग जो है वो मेटेलिक टेस्ट कर रही है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो फ्लैजेल या मेट्रोनिडाजोल को आप आराम से टिक कर दें। ये वह ड्रग है जिसका मेटालिक टेस्ट होता है, यानी पेशेंट को मेटालिक टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी टेस्ट सेंसेशन खराब हो जाती है। इन सीवियर केसेस ऑफ एमेबिक डायसेंट्री टेट्रासाइक्लिन लेसेंस द रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इनके अंदर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस वगैरह हो जाता है उनको ये जो ड्रग इफेक्टिव है, ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये इफेक्टिव है, इसके सिम्टम्स कम कर देती है। कोई क्वेश्चन इन पर? ये बहुत रटने वाली चीजें हैं, पैरासाइटोलॉजी अगर माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़े तो बहुत रट्टा था, बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मलेरिया की स्टेजेस लिख दें। ये आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ड्रग कौन सी है मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी है, उनके इफेक्ट्स क्या है। सबके GIT इफेक्ट थे, सबके CNS इफेक्ट थे, और उसमें एक ये बताया हुआ है कि कौन सी ड्रग किस स्टेप पर इफेक्ट कर रही है। बस ये आपको ये जो पूरा पाथवे बताया था, मीरोजॉइड, स्पोरोजॉइड, मीरोजॉइड, फिर मीरोजॉइड से गैमेटोसाइट, ये नहीं पूछेंगे, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन किसी का हो? नो मैम। फॉलिक एसिड के टेबलेट्स दे देने चाहिए, क्योंकि अगर वो एंटी मलेरियल ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड की जो वो पाथवे था उसका, जहाँ पर DNA सिंथेसिस हो रही थी उनको वो इनहिबिट कर रहे थे, वो फिर जो जब वो एंजाइम्स इनहिबिट कर देते ना तो फिर पूरा पाथवे नहीं होता, ठीक है, तो फॉलिक एसिड भी यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में, फॉलिक एसिड नहीं बन पाता बेसिकली, उन ड्रग्स की वजह से फॉलिक एसिड नहीं बन रहा, तो हम साथ फॉलिक एसिड बनाने के लिए उसकी टेबलेट्स दे देते हैं प्रेगनेंसी में खासतौर पर, क्योंकि वहां पर फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है। नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में देते हैं टेबलेट शुरू में, और बाद में भी फिर अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो उसके साथ याद रखें कि प्रेगनेंसी में देनी है। चलिए बस यहीं तक आपका, ठीक है, ये इसको साथ के साथ रट्टा लगाएं,
इसमें समझने का असल में ये नहीं कि ड्रग के नाम खुद बंद करने पड़ते हैं। बाकी आपके एमसीक्यूज होंगे, इंशाल्लाह आसान होगा, कोई इतना वो नहीं है। आप लोग का ऑन कैंपस हो रहा है, कल तो स्ट्राइक चल रही थी कि ऑफ कैंपस में कुछ हो रहा था ना? अब ये सब फनी किया। मैंने सुना था कि सिर्फ इनका मिड टर्म हो रहा है, बाकी लोगों का तो हो चुका है सबका, इस तो अब लोग बहुत पीछे है। तो उनका मिड टर्म कैसे हुआ था? अच्छा ये नहीं कर रहे ऑनलाइन, क्यों? चलिए अल्लाह करे आप लोग एग्जाम पास हो। आप लोग हर भाई मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे बहुत मुश्किल है उसकी वो ड्रग्स करनी, मेन मेन ड्रग्स याद करें करें, मेन मेन जो चीजें जो इम्पोर्टेंट रह जाती है। आठ सब्जेक्ट्स ही ज्यादा है नर्सिंग वाले भी, जो मैं हैरान हुई जब मैं एम फिल में नर्सिंग वाले भी थे, वहाँ एम फिल कर रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि नर्सिंग की इतना एफर्ट करनी पड़ती है। उनके भी बहुत सब्जेक्ट थे, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, आठ सब्जेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है। फिर आप इतना फिर आप बड़ा टाइम ही नहीं मिलता। एनुअल सेमेस्टर में एनुअल जो होता है उसमें बंदा बैठा रहता है आखिर तक। कहाँ पे? अच्छा वहाँ पर एनुअल है। हाँ उनका तो एनुअल है। इसलिए आप लोग ये कोशिश करें जब भी मिड हो जाए तो फिर ना आप दें टेस्ट, ठीक है? बेशक आप लोग इस तरह कर ले कि एंटी फंगल एक दफा पढ़ के अच्छी तरह से स्लाइड्स वगैरह उसका दे दें, फिर उसके बाद एंटी वायरल एंटी मलेरियल उनका अलग अलग दें, ताकि जब आपका फाइनल हो तो इतना बर्डन ना पड़े। यस मैम ये ठीक है, क्योंकि ये गलती शुरू में की है कि अगर जीआईटी की ड्रग खत्म हुई तो उसको खत्म पहले करना था, फिर थायराइड की, उस जो क्विज के लिए बैठे रहे ना और मिड टर्म के लिए बैठे रहे, जब जब आपका हो खत्म। बेशक आप लोग ऑन मुझे जो है इन क्लास तो नहीं अब ले सकते ना, क्योंकि मैंने आगे पढ़ाना भी होता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम है, तो आप लोग ऐसा किया अब तो खैर गुजर गया, लेकिन फाइनल्स के लिए आप लोग बेशक आप जब कहें मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो वही क्वेश्चन, अब एमसीक्यू बंदा इतने तो नहीं बना सकता, जो है उन्हीं के अंदर से बनेंगे, ठीक है? फिर बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखना है, या अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मुझे फायदा आप लोग को ही है। बार बार जितने टेस्ट थे उतना ज्यादा फायदा होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको बेशक इंडिविजुअली जो स्टूडेंट विलिंग है आकर बेशक टेस्ट देते हैं, मैं उनको बना दूंगी बैठ के कर लिया करें, ये नहीं कि असेसमेंट हो रही है तो जी हमारे नंबर कम आ जाएंगे, फाइनल्स के लिए आपको फायदा होगा। अबे ये आप लोग को एक फायदा है कि जब यानी मिड वाला फाइनल में ना आए, असल में इधर जो लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होता है, वो बाहर निकल जाती है। आपकी कौन थी? मिस हेमंत थी।
अच्छा अभी असल में ना मैं भी ये उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है जो ए बैच है, बहुत ज्यादा उनका भी यही इशू है कि उनके बहुत ज्यादा है। और ये जो कैटजंक बुक के अंदर से बने हुए हैं, ये लिपिन कॉर्ड तो वो छोटी वो पहले स्टूडेंट्स आपको वो मिस अस्मा के पढ़ाए थे तो तब भी आप कहते हैं ये तो डॉक्टर खुरम के लेक्चर्स हैं, लेकिन मसला पता है क्या है, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो मुझे कहा कि मैंने तो कैटजंक और उससे बनाया है, अब वो है पीएचडी, ठीक है। जब आप एम फिल कर रहे हो, जब आप पीएचडी करते हो, एम फिल में आपको एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, आपने उसी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, आपने वही रिसर्च में भी अपना वही लाना है, हर जगह आप पेपर जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। तो जाहिर है आपका नॉलेज जब आप एम फिल पीएचडी के लेवल पर होता है तो फिर एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट वाला नॉलेज आप उसको नहीं दे सकते। अब मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, आपने पढ़ ले नहीं है स्लाइड्स, लेकिन आपने और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप फिर वो नहीं कर सकते। इवन ये कि जो आप ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह है, इधर एक दो मेरे रिलेटिव्स हैं तो वो कहते हैं जी हम इतनी स्लाइड्स पढ़ रहे हैं उनको वो भी मुश्किल लग रहा है। तो जाहिर है वो स्लाइड्स इसलिए देते हैं कि वो सर ने कहा कि मैं ओवरव्यू देता हूँ, आप इन्हें कहें बुक्स वगैरह पढ़ें। अब बुक्स पढ़ने के लिए तो मैं पूरा साल हो फिर वो स्लाइड्स आप इतने भी टाइम नहीं बचता कि बंदा स्लाइड्स पढ़ ले, कितनी स्लाइड्स, हर लेक्चर की 30 से तो ज्यादा स्लाइड्स है। तो आप लोग पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा पढ़े ताकि मुझे धक्का ना लगाना पड़े पीछे से पास करने के लिए, कोशिश करें कि पास हो जाए, पहली अटेम्प्ट में सब निकल जाए। मिस एमन की आपकी जो पिछले साल आप लोग के सब निकल गए थे बैच में, कोई फेल नहीं हुआ था, सारे निकल गए थे, चलो अल्लाह करे इस दफा भी निकल जाए। आपके आपके मुश्किल मुश्किल पेपर बनाओ ताकि आसान वाला जो आखिरी वाला आपको हलवा लगे। तैयारी हो जाती है, फाइनेंस में आपके एमसीक्यू उससे खाली और फाइनेंस कैसे होते हैं उसमें भी एमसीक्यू? एनुअल में भी स्टूडेंट बैठा रहता है, आखिर में तैयारी करूंगा। आपको लग रहा है कि एनुअल बहुत अच्छा है, एनुअल में तो सेमेस्टर में पता ही नहीं चलता टाइम गुजर जाता है, एनुअल में बहुत टाइम होता है लेकिन पढ़ते ही नहीं है, दोनों तरह से। चले स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछने हैं आपको? नो मैम। थैंक यू, अपना तैयारी कर लिया, एमसीक्यूज भी होंगे आपके जो मिड होगा, मैम सिनेरियो भी एमसीक्यूज होंगे मिड के? मिड के आपके 25 एमसीक्यूज होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर 30 हुए तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी, मुझे मैडम ने कह दिया कि 40 से 50 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, तो अगर 25 हुए तो फिर 2 नंबर का एक एमसीक्यू कर देंगे। मैम एमसीक्यू उसी रहने थे, क्वेश्चन अभी रहने थे हम लोगों का, फार्मा मेन सब्जेक्ट हुआ तो हम लोगों वैसे ही पढ़ लेंगे स्लाइड, तो एमसीक्यू उसी रहने थे उसके बस, क्या रहने थे उसमें से मैम मतलब एमसीक्यू उसी रहने थे बस, बस सिनेरियो बेस एमसीक्यू, नाम ठीक है एमसीक्यू होंगे खाली। चले आप दो स्टूडेंट्स अपने नाम मुझे मैसेज कर दें, ठीक है आपके एमसीक्यू होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। ओके।